दौर था साल 1953 का, जब अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने दुनिया का सबसे खौफनाक एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया। उस वक्त CIA का मानना था कि उनके दुश्मन देशों ने ऐसी टेक्नोलॉजी को इजाद कर लिया है कि किसी के दिमाग को अपने कब्जे में किया जा सकता है। इसी डर की वजह से CIA ने भी लोगों के दिमाग को काबू करने का तरीका ढूंढना शुरू किया, जिसके बाद CIA के लोगों ने एक ऐसे ड्रग्स को तैयार किया जिसे अगर किसी इंसान को दे दिया जाए तो उसके दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है। और उन दवाओं का इस्तेमाल करने के लिए CIA के लोगों ने जेल की सजा काट रहे लोगों को चुना। आपको जानकर हैरानी होगी, 500 से ज्यादा कैदियों के ऊपर उस खतरनाक ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया। कहा जाता है वो ड्रग्स इतना खतरनाक था कि उसके इस्तेमाल के बाद कैदी जिंदा तो जरूर थे, लेकिन वो कौन थे, कहां से आए थे, उन्हें इस बात का कोई अता पता नहीं था। एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि वो एक जिंदा लाश बनकर रह गए थे। और आज के वीडियो में हम आपको वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कुछ ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि वैज्ञानिक इतने खतरनाक कैसे हो सकते हैं। डायोक्सिन टेस्ट। ये बात है साल 1965 की, जब एक डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ने अमेरिकन आर्मी और बहुत सारी दवाई बनाने वाली कंपनियों की तरफ से एक स्टडी को अंजाम दिया। उस स्टडी का सबसे बड़ा मकसद ये जानना था कि किसी भयानक केमिकल के संपर्क में आने के बाद किस इंसान की त्वचा किस तरीके से रिएक्शन करती है। दरअसल उस वक्त अमेरिका और वियतनाम के बीच बहुत ही खतरनाक युद्ध चल रहा था, और इस युद्ध में अमेरिकन सैनिक वियतनाम के सैनिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए बायोकेमिकल हथियार बनाना चाह रहे थे, और किसी हथियार में इस्तेमाल करने के लिए अमेरिकन सैनिक और वैज्ञानिक तरह तरह के केमिकल को तैयार कर रहे थे। अमेरिका का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि वियतनाम का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो जाए, जिसके लिए अमेरिकन वैज्ञानिक और सैनिकों ने डायोक्सिन नाम के केमिकल को तैयार किया। कहा जाता है कि डायोक्सिन को एक लिमिटेड क्वांटिटी में किसी इंसान के शरीर पर डाला जाए तो उसे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर डायोक्सिन की मात्रा थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाए तो इंसान की त्वचा बुरी तरह से झुलस सकती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के वैज्ञानिकों और सैनिकों ने मिलकर अपने जेल में बंद लोगों के ऊपर डायोक्सिन की सिर्फ क्वांटिटी से 500 गुना अधिक डायोक्सिन उनके शरीर में डाल दिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन लोगों के शरीर के साथ क्या हुआ होगा। कुछ वैज्ञानिक बताते हैं उनके शरीर की हालत ऐसी हो गई थी जैसे उन्हें गर्म तेल में फ्राई कर दिया गया हो, लेकिन ऑफिशियली तौर पर इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कभी भी पब्लिकली शेयर नहीं किया गया। ऑपरेशन सी स्प्रे। अब हम आपको जिस खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट भी अमेरिका के सैनिकों के द्वारा ही किया गया था। ये घटना है साल 1950 की, जब अमेरिकन नेवी ने अमेरिकी समुद्री किनारे से दो भीतर हवा में एक खास तरह के बैक्टीरिया को स्प्रे कर दिया। ये खास तरह के बैक्टीरिया की जो अपने अंदर से लाल रंग का पिगमेंट प्रोड्यूस करने के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। दरअसल उस वक्त अमेरिका के सैनिक और वैज्ञानिक ये पता लगाना चाहते थे कि अगर किसी दुश्मन देश के द्वारा अमेरिका के ऊपर बायोकेमिकल हमला किया जाता है तो उस हथियार का प्रभाव अमेरिका के कितने क्षेत्र के ऊपर होगा, और अगर अमेरिका खुद किसी दुश्मन देश के ऊपर बायोकेमिकल हमला करता है तो हमला कितना कारगर साबित होगा। आने वाले कई दिनों तक वहां की मिलिट्री ने आसपास की लगभग सभी जगहों से सैंपल को इकट्ठा किया ताकि ये पता लगाया जाए कि उस बैक्टीरिया का असर कहां कहां तक पहुंचा। हैरानी की बात तो यह है कि समंदर के 2 मील भीतर फैलाए गए उस बैक्टीरिया का असर लगभग आधे अमेरिका के ऊपर हो चुका था। सैन फ्रांसिस्को में बसे लाखों लोगों के टेस्ट किए गए, जिनमें सामने आया कि ये सभी लोग बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। बेशक मिलिट्री को अपने इस एक्सपेरिमेंट में सक्सेस मिल गई और उन्हें पता लग गया बायोकेमिकल हथियार बनाकर उस पर इस्तेमाल किए जाएं तो वो कहां तक फैल सकता है। अब यहां उन्हें लग रहा था कि जो बैक्टीरिया उन्होंने अपनी तरफ से हवा में फैलाया है वो तो इंसानों के लिए हानिकारक है ही नहीं, जबकि ऐसा सिर्फ उन्हें लग रहा था, क्योंकि तब के समय में सैन फ्रांसिस्को में मौजूद लगभग हर इंसान को यूरिन इन्फेक्शन हो चुका था, और वे लोग जो हाल ही में कोई सर्जरी करवाए थे उनको तो मौत ने अपने कब्जे में ले लिया। इससे इतने बड़े पैमाने पर अमेरिका में नरसंहार हुआ कि अमेरिका को मजबूरन अपने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में छुपाना पड़ा। लेकिन साल 1976 में इसके बारे में अमेरिका की कई मैगजीन में आर्टिकल छपने शुरू हो गए, जिसके बाद दुनिया भर में अमेरिका की खूब बेइज्जती हुई थी। दोस्तों ये वजह है कि जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तांडव मचाया था तब कुछ लोगों का मानना था कि कोरोना वायरस भी कोई नेचुरल वायरस नहीं बल्कि किसी देश के खतरनाक एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। वैसे इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताना। MK अल्ट्रा
दोस्तों ये घटना साल 1950 से 1960 के दौर की है, जब पूरी दुनिया में शीत युद्ध अपने चरम पर था। उस वक्त अमेरिका को इस बात का डर सता रहा था कि उनके दुश्मन देशों के सैनिक कुछ ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे इंसान के दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है, और इस तकनीक का इस्तेमाल वो देश मुख्य रूप से अमेरिका के बंदी बनाए हुए सैनिकों पर कर रहे हैं। बस इसी डर के खिलाफ अब अमेरिका कुछ एक्शन लेना चाह रहा था, और इसी एक्शन के रूप में CIA की तरफ से सन 1953 में MK अल्ट्रा को लॉन्च किया गया। ये एक बेहद खुफिया मिशन था, और इसमें अमेरिका के द्वारा ऐसी खतरनाक दवाएं तैयार की गई जो किसी भी इंसान के अंदर डाल दी जाए तो उसका माइंड कंट्रोल किया जा सकता था। ये प्रोजेक्ट इतना सीक्रेट था कि आज भी इसके बारे में बहुत थोड़ा ही दुनिया को पता चला है। सिर्फ हमें इतना पता है कि इस एक्सपेरिमेंट में 150 लोगों को शामिल किया गया, और उन लोगों को पहले खतरनाक दवाइयां दी गई, जिसके बाद पैरालिटिक और इलेक्ट्रोशॉक जैसी थेरेपी को इनके ऊपर अंजाम दिया गया। कमाल की बात तो ये थी कि जो लोग इस एक्सपेरिमेंट में शामिल थे उन लोगों को ये पता ही नहीं था कि उनके साथ किया क्या जा रहा है। कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि जो दवाइयां उस समय उन लोगों को मारने में लगी थी उसकी वजह से लोग अपनी असली पहचान तक भूल चुके थे। उनको जो कहा जाता था वो उसी बात को सच मान लेते थे। साल 1953 से 1964 के बीच सैकड़ों लोगों को इस जानलेवा एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया गया। कहा जाता है जितने भी लोगों के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को किया गया उनमें से कोई भी शख्स 2 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाया। क्योंकि हिलटॉप ये एक और प्रोजेक्ट था जिसे अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के द्वारा लॉन्च किया गया था, और इस प्रोजेक्ट में वो चाइनीज लोगों द्वारा जो ब्रेन वॉश करने की तकनीक यूज की जाती है उन टेक्निक पर स्टडी करने वाले थे। जी हाँ दोस्तों, ये वो वक्त था जब चीन की सरकार ने बहुत ही खतरनाक तरीकों का इस्तेमाल किया था। कहा जाता है चीन की सरकार खास तरीके से अपने लोगों के दिमाग का ब्रेन वॉश करती है ताकि चीन की जनता हर उस बात को एक्सेप्ट कर ले जो चीन की सरकार जानना चाहती है। इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने के लिए CIA के लोगों ने सबसे पहले जेल में बंद कैदियों के ऊपर ब्रेन वॉश, हिप्नोटिज्म जैसी चीजों का इस्तेमाल किया, और उसके बाद उनके दिमाग के सैंपल को कलेक्ट किया, और फिर उन सब चीजों को इकट्ठा करके वो ऐसी दवाई बनाने वाले थे जिससे वो दिमाग के उस हिस्से को डैमेज कर सके जिसमें दिमाग ये सब कुछ फील करता है। वैज्ञानिकों ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में कई तरह की दवाइयां तो बना ली, लेकिन अब समय था उन दवाइयों का टेस्ट करने का, और एक बार फिर से CIA के लोगों ने जेल में बंद कैदियों को अपना टारगेट बनाया। और उससे भी खतरनाक बात यह है कि डॉक्टर पहले ही बोल चुके थे कि अगर इस दवाई का इस्तेमाल किया गया तो हो सकता है इंसान की जान चली जाए, और किसी भी मरने वाले कैदी की जिम्मेदारी एक्सपेरिमेंट करने वाले लोगों की नहीं होगी। इसके बावजूद भी कम से कम 150 लोगों के ऊपर इस खतरनाक दवाई का इस्तेमाल किया गया। कहा जाता है उन दवाइयों के इस्तेमाल के बाद एक भी आदमी जिंदा नहीं बचा, लेकिन ऑफिशियली कभी भी इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पब्लिक डोमेन में आने ही नहीं दिया गया। दोस्तों आपने किताबों में पढ़ा होगा कि वैज्ञानिक जब भी किसी नई दवाओं का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो खरगोश और चूहे जैसे जानवरों को अपना टारगेट बनाते हैं। लेकिन इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जब किसी खतरनाक दवाई का इस्तेमाल सीधे इंसानों के ऊपर किया गया, और एक्सपेरिमेंट करने वाले लोगों का सबसे आसान टारगेट जेल में बंद कैदी होते हैं, ऐसे कैदी जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता। वैज्ञानिक और एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ऐसे कैदियों की मौत भी हो जाए तो उसका कारण पूछने वाला कोई नहीं होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आज के वक्त में भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा इस तरह के एक्सपेरिमेंट को किया जाना सही है? अपनी राय कमेंट में देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है।